गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी व्लॉगिंग स्टार्ट करने का, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट व्लॉगिंग का, या फिर इनफैक्ट फ़ोन भी कैसे पकड़ते हैं या कुछ भी। तो कोई गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर। तो जैसे कि मैं एक छोटा सा एनिमल रेस्क्यू शेल्टर चलाती हूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। कुछ जैसे इंजर्ड डॉग्स होते हैं उनको वहाँ पे रखती हूँ, उनका ट्रीटमेंट होता है और ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करने का। तो यही मेरी एक छोटी सी लाइफस्टाइल है जो मैं शेयर करना चाहूँगी व्लॉग्स के थ्रू, और आई थिंक लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मेरे को खुद अपनी लाइफ बहुत एक्साइटिंग लगती है और मुझे बहुत प्यार है अपनी ज़िंदगी से। तो मैं चाहती हूँ कि लोग देखें और ट्राई करें एनिमल्स को फीड करने का, या फिर कोई इंजर्ड है डॉग या कोई कैट तो उसको ट्रीटमेंट दिलवाने का। तो मैं अपने वीडियोस के थ्रू ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की, और मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ रेस्क्यू ही करती हूँ, और मतलब मेरा 24/7 इसी में जाता है और कुछ मैं नहीं करती फॉर नाउ। तो मेरा 24/7 इसी में जाता है, क्योंकि शेल्टर है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक बच्चे को देखना, हर एक चीज़ करना। वो मैं आगे धीरे धीरे करके आपको दिखाऊंगी कैसे होता है, क्या होता है। तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है जानने की कि एक रेस्क्यूअर की ज़िंदगी में कैसे होता है, कैसे रेस्क्यू होता है, क्या होता है, और कैसे डॉग्स को पकड़ते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है, एंड एवरीथिंग। तो मैं वो सब शेयर करूँगी और दिखाना चाहूँगी कि कैसे क्या होता है। तो अभी जैसे सुबह के आई थिंक 8:30 हो रहे हैं, और वैसे मैं 7 o'clock उठ जाती हूँ रोज़ सुबह, बट थोड़ा फ्रेशन अप होना, कॉफ़ी पीना, एनालाइज़ करना कि पूरे दिन में क्या करना है, किस डॉग को रेस्क्यू करना है और किसकी कॉल आ रखी है रेस्क्यू के लिए, और वो सब चीज़ें। तो अभी मैं शेल्टर जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी अपना शेल्टर के कैसे है, और सबका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी अपने बच्चों का। मेरे बच्चे ऑफ कोर्स डॉग्स जो है मेरे शेल्टर पे, और कैट्स, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही कैट है। और चलो ठीक है, आ जाओ फिर, आ जाओ, आ चल चले ले चलो जो कुछ शेल्टर अपने साथ, चल चला गाड़ी में बैठ, आ जा चल, आ जा। नहीं नहीं इसलिए मैं नहीं आना है, मजाक कर रही थी मैं मजाक कर रही थी मैं, जाओ जाओ बेटा। ये मेरे घर के नीचे वाला डॉग हुआ है, इसका नाम राकेश है। राकेश, राकेश ये बहुत खाता है, सबसे खाता है, ये मेरे से भी, फिर एक आंटी है उनसे भी। तो अभी हम शेल्टर जाएंगे सीधा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई केस नहीं है पेनीशिया लेके जाने के लिए। तो अभी मैं शेल्टर लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट लुक मेरे शेल्टर की, कि मेरा शेल्टर कैसे बना हुआ है और सब कुछ। मेरे को एक मैंने एक मेडिसिन का बॉक्स बनाया था, अगेन एक आंटी हैं माला, मैंने माला मैम बुलाती हूँ, आंटी नहीं, तो वो भी काफ़ी फीड करती है डॉग्स को। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें थोड़ी मेडिसिन चाहिए डॉग के लिए, तो मैंने उनके लिए बॉक्स बनाया है। ये बॉक्स है, पीछे रखा है, ये दो है, तो मैंने दो लोगों को देना है। एक मेरे घर के पास रहती हैं, उनको मैं रात को दूँगी, उनको मैंने वैक्सीनेशन भी देनी है, और एक मतलब मेरे रास्ते में ही आते हैं शेल्टर के, तो उनके मैंने सोसाइटी के गेट पे छुड़वाना है। तो वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी, तो इसमें मेडिसिन है, लाइक बेसिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक, डी मैक्स भी हो गया, तो वो सब भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या किस चीज़ में यूज़ होता है। तो अभी मैं ड्रॉप करती हूँ उनके गेट पे। सब अभी गेट पे ही खड़े हुए हैं, देखो अगर दिख रहा है यहाँ से तो। कोल गेट, मेरा शेल्टर थोड़ा ऐसे कच्चे एरिया पे है, लाइक यहाँ की रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं है, तो हाँ। बाकी हमारे शेल्टर के दो गेट हैं और मैं दूसरे गेट से जाती हूँ। वैसे गेट के पास ही एकदम खड़े रहते हैं, क्योंकि बाहर भागने के लिए तो बहुत ही एकदम चिपक चिपक के जाना पड़ता है गेट से। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, देखिए 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 देखिए, सबके मुंह बाहर आ रहे हैं। रुक जा रुक जा रुक जा, पहले सबको पीछे कर पीछे कर पीछे कर। ओए प्रीति,
पिद्दी वगैरह सबके सब बाहर भाग गए थे, अभी हम उनको लेकर आए हैं क्योंकि हमारे मेरे शेल्टर का जो गेट है बहुत छोटा सा है। देखो अभी एकदम करीब में ऐसे खड़े रहते हैं ये, देखो नीचे ये प्रीति क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, इतनी तेज तेज वीडियो बन रही है आपकी। ओए होए, बस बस, क्या हो गया, क्या हो गया, सबको बताओ क्या हो गया। देखो एक, अगर मैं एक के लिए नीचे बैठ जाऊँ ना, ये सब आ जाते हैं। ओए बस, अगर मैं नीचे बैठ जाऊँ तो ये देखो, ये देखो, ये सब के सब छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, इनको लगता है कि हाँ बस आ जाओ। ये जूली तो यार सच में, जूली को तो बस गोदी चाहिए। ये देखो, ये देखो मिन्नी को, मिन्नी इधर छोड़, इसको छोड़, इसको मिन्नी कुछ नहीं है इसमें, इसमें पहले इसमें जोया का खाना था, इसमें चिकन वगैरह कुछ था तो उसको देना था, तो उसका क्या नहीं एकदम, ये देखो इन्होंने कैसे कर दिया। ये देखो ये कल रात को शेरू के हाल है, ये पूरा इसमें भरा हुआ था, जोया ने बल्कि खाया भी नहीं, और शेरू ख़त्म करके उसके बाद ये सब एक एक करके इसमें छेद कर रहे हैं। नहीं कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, स्मेल आ रही है बेटा। मिन्नी को सिर्फ एक इंजेक्शन ही लगता है बस। कहाँ करी है पॉटी, ये क्या है? ओहो बताओ यार, इसके ऊपर मतलब चढ़ के भी पॉटी कर दी डब्बों के अंदर, ये हमारी दवाइयाँ उसके ऊपर चढ़ के पॉटी कर देते हैं यार। इनको लगता है कमरे से, इस कमरे से बाहर ही रखना पड़ेगा है ना। कोई नहीं, इन दो को उठा ले और धो दे, ये सब बाद में धुलेगा। पिद्दी पिद्दी पिद्दी, ये ले इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले ये ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले चिप्स खिलाने नहीं चाहिए पर कोई नहीं। पिद्दी चल शुरू कर, मत कर मत कर, लॉस्ट तो इंद्रजीत जो है यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह करता है, और क्लीनिंग क्योंकि पहले तो मैं अकेली थी यहाँ पर, हर एक चीज़ मैं अकेले ही करती थी, मतलब क्लीनिंग वगैरह भी खुद करती थी, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ वो वाला एरिया ले रखा था जो लैंडलॉर्ड है उससे, वो एक रूम है सिर्फ जिसमें डॉग्स रहते थे, और ये हाफ था, मतलब जितना ये है पूरा उसका हाफ था और वो सिर्फ एक रूम था। तो अब हमने ये वाला रूम भी ले लिया है, दिस वन, क्योंकि इंद्रजीत आ गया है तो उसको अपने लिए एक रूम चाहिए रहने के लिए ऑफकोर्स, तो इस रूम में बच्चे रहते हैं और इस रूम में इंद्रजीत रात को सोता है। और तो पहले मैं अकेले आती थी यहाँ पे बच्चों को, क्योंकि तब इतने डॉग्स भी नहीं थे, चार पाँच ही रखे हुए थे मैंने, तो तब सबको यहाँ पे अकेले मैनेज करती थी, बट क्योंकि डॉग्स बढ़ गए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं और डॉग्स को लाऊँ, तो इसलिए मैंने इंद्रजीत को रखा। और इंद्रजीत को मेरा मेन पॉइंट ये था रखने का, क्योंकि इंद्रजीत का एक हाथ काम नहीं करता, मतलब उसका एक हाथ नहीं है यही मान लो आप, तो उसको कोई और नौकरी नहीं मिल रही थी, और उसकी वाइफ को मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से, तो उन्होंने, उसकी वाइफ को भी पथरी की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट करी, तो मुझे लगा कि अगर हाँ, अगर मैं अपने शेल्टर पे एक ऐसे इंसान को क्यों ना जगह दूँ जो एक्चुअली में इतनी नीड में है जॉब के लिए, तो तभी मैंने इंद्रजीत को रखा। और इंद्रजीत बहुत ही अच्छा है, हर एक चीज़ प्रॉपरली करता है, उसको जो बोलूँ मैं वैसे ही करता है। तो इंद्रजीत है क्लीनिंग के लिए, और गुलाब सिंह है हमारे, गुलाब सिंह भैया पैरावेट है जो ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं इन सब बच्चों का, रोज़ आते हैं वो सुबह सुबह, और सुबह से शाम हो जाती है हमें, क्योंकि कभी नया केस भी आता है तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और क्योंकि क्लिनिक मेरे यहाँ से पहले तो मैं
हर एक बच्चे को क्लिनिक ही लेके जाती थी। क्लिनिक मेरे यहाँ से एक घंटा दूर है, क्योंकि मेरा शेल्टर थोड़ी गांव वाले इलाके में है, तो एक घंटा दूर है क्लिनिक मेरे शेल्टर से। तो रोज़ लेकर आना जाना मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अब मैंने गुलाब सिंह भैया को रखा है, वो सबका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। इधर बैठ जा पप्पू, जा वापस चली जा, जा जा अपनी जगह पे जाओ, अंदर चाहिए है, अंदर जा ना, जा अंदर चली जा फिर। राजू रुक जा, इसकी सर्जरी हुई है, इसकी हरकतें देख। शेरू ब्रेड नहीं चाहिए, ब्रेड नहीं चाहिए। लिली इधर आ, आराम से रुक जा। ये ले लो, ओए प्रीति हट, सिलेंडर भी लेके आनी है। ये रही अड्डी, ये मेरा अड्डी करे, हाथ लगाओ वो नहीं है इसकी। हे भगवान, कैसे हो गया इसको इतना ज्यादा है, बहुत लेट पता चला होगा या तो पूरा मैगेट्स खा। अरे ये हाथ नहीं आता ना, तभी तो मैगेट्स ने खा रखी है अड्डी भी। हड्डी भी खा ली। कौन सा पट्टा लाना है? जो गले वाला पट्टा नहीं है हमारे पास बांधने के लिए, वो वाला पट्टा ले आओ और उसमें ये डाल के और इसके अंदर छोड़ देंगे, फिर आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है, समझ गई मैं, मतलब इसे नॉर्मल गले वाला डाल दे। इंद्रजीत कोई गले वाला दिए उसको, गले वाला डाल देते अभी बैठे बैठे, अभी तो है काबू में, फिर पता लगे भाग जाए। इसको पिंजरे में ही रखना पड़ेगा है ना, बाहर तो नहीं रह पाएगा। कोई नहीं बेटा, थोड़े टाइम की बात है। क्या खत्म गया तेल लेने? कह रहा गया तेल लेने, क्यों टूटने वाला है वो? गया तेल ले देगी और क्या। इंद्रजीत का स्टाइल है, बुढ़ाओ सुबह हो गई, चल बाहर निकल सुसु पोटी कर, चल बेचारा भी इसको भी सुसु पोटी करवा। ये क्या है, ये किसने उल्टी कर रखी है? ये देखो कालू के पास, यहाँ पे ओ, यहाँ पे जोया सोई थी तो उसने कुछ खाया होगा। ये क्या ऑरेंज निकाल रखा है, पर ऑरेंज क्या है यार जोया तो ठीक ही नहीं हो रही। तो वो खाएगी तो ठीक थोड़ी होगी, तब तक खाएगी तब तक ठीक नहीं होगी। उसको हम खाने के लिए नहीं देते, वो कहीं ना कहीं से खाना निकाल ही लेती है। जब तक वो खाएगी तब तक वो ठीक नहीं होगी बिल्कुल भी। आधा तो ये है मेरा शेल्टर अभी के लिए, ये सब
सब बच्चे हैं, सुबह सुबह के टाइम में थोड़े ऐसी आलसी रहते हैं। लीलू, लीली, ये मिनी है, ये मिनू है, ये मिनी है, ये भालू है। भालू के मैगेट वुंड था, अब ठीक हो गया है। ये कैरी है, एक को लेती हूँ ना सब आते, इसलिए मैं ले नहीं सकती। ओए भालू, तो ये कैरी है, इसके नीचे पस थी तो इसकी सर्जरी हुई और ये ठीक है, अभी रिकवर कर रही है। ये है शेरू, ये तो काफ़ी टाइम से है मेरे पास, इसको हो गए 2 महीने होने वाले। इसके पैर में रॉड डली थी तो अभी रिकवर कर रहा है, ठीक है, ये नहीं उठता कम्बल से। ये है पप्पू, पप्पू की व्हील चेयर इन मेकिंग है, जिनको मैंने बोला था बनाने के लिए, जिनसे बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी इसका साइज़ नहीं है अवेलेबल। तो जो मेरे घर के एकदम पास थी, उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा पर इसकी व्हील चेयर जल्दी आ जाएगी। तो जो पैरालाइज्ड है पीछे से, जिसकी टांगों में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भालू का हो गया, ये जोया, जोया, जोया को पैंक्रियाज में दिक्कत है, जैसे कुछ खाती है तो उसी दूसरे सेकंड उल्टी कर देती है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी, अभी रिकवर नहीं कर पा रही है इतने अच्छे से जितना करना चाहिए। ये है हमारी बिल्लू, ये है हमारी बिल्लू। हाँ, क्या हुआ? इसको ये होता है कि सबसे मिलती हूँ मैं आके और इससे नहीं मिलती, तो ये रोने लग जाती है। तो इसको स्किन इन्फेक्शन थी, ये एकदम अच्छे से रिकवर कर गई है, अच्छे से क्या, बहुत ही अच्छे से रिकवर कर गई है, इसकी ठीक हो गई है स्किन इन्फेक्शन। अब जल्दी से इसके अडॉप्शन के लिए डालूंगी, अगर किसी को करना हो तो प्लीज़ बताना मेरे को। ये है हमारी प्रीति, अबैंडन्ड मिक्स लैब्रा ब्रीड, ठीक है। तो इसको पीछे ट्यूमर था, अब तो ट्यूमर कीमो इसकी चली है तो काफ़ी रिकवर हो गया, काफ़ी क्या पूरा ही ठीक हो गया। तो अभी इसको भी अडॉप्शन के लिए डालूंगी कोई करता है तो, नहीं तो फिर अगेन जहाँ पे ये थी इसको फिर वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। शम्मो है ये, तो ये तो एक, ये मेरा फर्स्ट रूम है, पहला रूम ये बाहर, यहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट वगैरह होता है, यहाँ पर हम ये वाली मंजी लगा देते हैं। और गुलाब सिंह है एक भैया, उनसे आपको मैं मिलवाऊंगी, जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन सब बच्चों का ड्रिप वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ये सब करते हैं। तो ये रात को सब के सब रूम में ही सोते हैं, इस रूम में, ये इनका रूम है। ये है शम्मो, इसकी भी सेम मैगेट वुंड था पीछे यहाँ पर अभी रिकवर कर गई है, तो इसको मैं 2-3 दिन में भेज दूँगी। हाँ जूली, तेरी भी स्टोरी बता रही हूँ तो रुक जा। और ये है कालू, इसका आपने देखा होगा, ये थोड़ा डरता है, इसके भी मैगेट वुंड था, काफ़ी रिकवर कर गया है, तो ये पूरे दिन इसी अपने बेड में ही बैठा रहता है। ये है हमारा बुढ़ाऊ, इसकी मैंने स्टोरी भी डाली थी, ये पैरालाइज्ड है, तो जैसे इसको मैंने, इसकी मैंने डबल मंजी बना रखी है, लाइक गद्दा भी बिछा रखा है नीचे ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो, पर स्टिल ये अपने आप ना, जैसे इस बेचारे का थोड़ा चलने का मन करता होगा तो ये अपने आप नीचे गिर जाता है, नीचे आ जाता है ये। अभी इसको मैं ऊपर करूँगी, और ये काँप इसलिए रहा है क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम है पीछे से टांगों की वजह से, नर्वस सिस्टम की, तभी थोड़ा ही शिवर करता रहता है। बाकी ये इनकी बेड है, सुंदर सुंदर कंबल है, ये रात को इसी पे सोते हैं। जूली आ, तेरा भी बता दूँ, तो ये जूली है, इसके पीछे ट्यूमर था, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने स्टोरी डाली थी। ये मैगेट वुंड था साइड में, ये रिकवर कर गया है, मतलब थोड़ा सा बचा है बस, और ये पीछे ट्यूमर दिखाने ही देखते, ये अगर आपको थोड़ा सा दिखा तो। हाँ जूलू, हाँ जूलू, आपके बारे में बता रही है दीदी, चलो चलो बाहर चलो। ओए, तो ये एक रूम है, और वो दूसरा रूम है, वो भी मैं दिखाती हूँ, वो इंद्रजीत का है, इंद्रजीत यहाँ पे जो लड़का रहता है रात को और साफ सफाई करता है, वो उसका कमरा है, तो वो वहाँ पे रहता है। तो फिर भी ये सब के सब उस रूम में जाके बैठ बैठ जाते हैं, वहीं पे सोते हैं ये, और वहाँ पे हमारी दवाइयाँ वगैरह भी पड़ी है, तो मैं वहाँ का भी आपको दिखाती हूँ। इसका नहीं बताया मैंने, ये पिंकू है, पिंकू इसके पैर, ये मेरे को यहीं से मिला था, मतलब जहाँ पे मेरा शेल्टर है ना उसके बाहर से, इसके पैर में दिक्कत थी, तो अभी इसका पैर ठीक हो गया है बिल्कुल, ये एकदम ठीक है, रिकवर कर गया है। हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा, इसको भी हम जल्दी रिलीज़ करेंगे। और ये है राजू, 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 हेलो हेलो ब्रदर, हेलो हेलो हेलो, शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, राजू दिख 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 दिख, इधर देख, ये राजू है, और इसके पैर की सर्जरी हुई थी, मैंने इसका भी डाला था स्टोरी में, तो अभी इसका पैर एकदम ठीक है, सही चल रहा है ये, इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा और 1 वीक ये भी रिकवर कर जाएगा अच्छे से। और ये है पीकू, पीकू का कार एक्सीडेंट हुआ है और तभी इसको ऐसे वो चढ़ाया हुआ है,
तो पूरा प्रॉपर इसकी स्केल वेल लगा के पूरी वो रखी है, बैंडेज वगैरह। तो ये थोड़ा सा भी पेन में है क्योंकि अभी इसका 2-3 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ है, तो ये भी बाकी इसकी शायद सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तभी सर्जरी नहीं करवाई। इसका ऐसे ही रिकवर होगा तो होगा, नहीं तो लेट्स सी क्या ऑप्शन होता है। फिर पीकू हो गया, मिन्नी, मिन्नू प्लीज़ मिन्नी को कोई अडॉप्ट कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मतलब इसका बिल्कुल मेरा मन नहीं कर... ये देखो इसकी स्ट्रेचिंग देखो झूली के बीच में आके। चलो इसका ट्यूमर भी आपको दिख ही गया होगा, फिर ये पीछे इसका ट्यूमर था, सर्जरी हुई थी, अब इसका काफ़ी बेटर है। हाँ तो प्लीज़ गाइज, अगर कोई मिन्नी को अडॉप्ट करना चाहता है, ये बहुत फन है, लविंग है, बहुत क्यूट है, मतलब बहुत ही प्यारी है, तो आप इसको प्लीज़ अडॉप्ट करो। और चिली हो गया, ये हमारी पिद्दी है, पिद्दी को किसी ने अडॉप्ट नहीं करा अभी तक, कोई करना चाहता है तो ओए उसके ऊपर से उठ। जूली, ये जूली है हमारी, इसके पीछे वो थी रॉड डली है, टांके थे सूख गए हैं। अरे यार तुम ना पहले खेलते रहो। तो ये जूली है, ये ठीक है, ये पिद्दी है, ये फॉर लाइफ मेरे पास ही रहेगी अगर अडॉप्ट नहीं होगी तो। और ये रस्तोगी जी है हमारे, रस्तोगी जी थोड़े गुस्से में रहते हैं हमारे। इसका भी मैंने डाली थी वीडियो, इसके आँख में मैगेट्स थे, तो इसकी एक आँख तो पूरी चली गई है, ना रिकवर हो पाएगी, बट दूसरी आँख से ये सही देखता है ना। रस्तोगी जी दिखाओ अपना जरा फेस, सुंदर सुंदर। इसकी एक आँख ठीक है, दूसरी में दिक्कत थी, बट हाँ ये है कि ये सर्वाइव कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये सब ना बहुत चलाक है, ये सबको, इन सबको पता है इस ट्रे में हमें खाना मिलता है, तो जब भी ये ट्रे नीचे आ जाती है ना तो इनको लगता है कि हाँ हमें खाना मिलने वाला है। तो ये है दूसरा रूम जहाँ पे इंद्रजीत सोता है, और ये रहा हमारा इंद्रजीत भाई। लिया ये बाहर भाग गई थी सोनी, तो इसको लेकर आया। हमारे गेट्स ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत छोटे हैं, प्लस मतलब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना वैसे ही ये सब बाहर भागने को होता है, और जैसे सोनी अभी बाहर भाग गई थी तो इसको भी हम पकड़ के लाए हैं बाहर से, तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये है इंद्रजीत का रूम, यहाँ पर इंद्रजीत रात को सोता है, पर वो इतना स्वीट है कि वो, मतलब इसने नीचे भी गद्दे बिछा रखे हैं ताकि जैसे छोटे छोटे सो जाए पिद्दी वगैरह। और ये हम यहाँ पे अपनी मेडिसिन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होता है उस हिसाब से रखते हैं, जैसे ये नियोस्प्रिन पाउडर और सैवलॉन, बैंडेजेस, स्केवॉन वगैरह, ये सब। तो DNS वगैरह अगर ड्रिप लगती है तो वो सब एवरीथिंग तो इस रूम में रहता है, बैंडेजेस वगैरह सब। तो हाँ, तो ये मेडिसिन का हमने एक साइड में कॉर्नर बना रखा है, अरेंज्ड वे में, प्रॉपर वे में, पर ये फिर भी उसके ऊपर जा जाके पॉटी वॉटी करने लग जाते हैं। हाँ ये जूली तो इंद्रजीत के बेड पे ही सोती है ना, इंद्रजीत है जूली का तो फेवरेट बेड है ना जूली। ये हटाता रहता है और ये चढ़ते रहते हैं। कोई नहीं, उसको बैठने दे, उसका नाम कैरी है, बैठने दे। तो ये सब छोटे छोटे ना मंजी के नीचे छुप जाते हैं, तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अब ये रह रहा है यहाँ पे तो इसको अपना एक रूम क्लीन चाहिए, और ये पॉटी करते रहते हैं जगह जगह। तो यही है कि इसका, ये देखो सोनी बैठ गई मंजी पे, सोनी के तो पैर भी गंदे हैं, उतार दे इसको नीचे। यहाँ पर हम छोटा सा, हमारा एक चूल्हा है, तो यहाँ पर हम खाना वाना बनाते हैं रात को बच्चों के लिए, या फिर पानी गर्म करना, क्योंकि सर्दियों में तो फिर हम पानी गर्म करके ही देते हैं। अब जैसे सर्दियाँ आ गई है तो रात के समय पानी थोड़ा गर्म करके रखना, और खाना बनाना, राइस बनाना, हर एक चीज़ तो हम यहाँ पर बनाते हैं। पतीले वगैरह सब बाहर पड़े हैं अभी, ये पतीले वगैरह हम सब यहाँ पर बाहर रखते हैं, इसके अंदर है, पर ये ना इस पे चढ़ चढ़ के, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें स्मेल वगैरह, देखो प्रीति को अभी भी क्या ढूंढ रही है मेरे को नहीं पता। तो इसके अंदर, मतलब ये रोज़ हम सेट करते हैं और ये रोज़ ऐसे बिखरा हुआ हो जाता है इनकी वजह से, पतीला वगैरह है जिस पे हम खाना वाना बनाते हैं। प्रीति बाहर आ जा यार, तंग करके रखा है। ये ट्रे है इनकी जिसमें खाना देते हैं हम इन्हें। पीकू पीकू
ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बेटा, ओए मेरी बेटी, बहुत दर्द हो रही है, बहुत पेन है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये है हमारे इंद्रजीत भाई, हाय बोलो, कैसे हो? बढ़िया हूँ। तो ये यहाँ पर रहता है, इन बच्चों की देखभाल रखता है जब मैं बाहर होती हूँ। तो थोड़ा दोपहर के समय जब मैं थोड़ी टायर्ड हो जाती हूँ, जब सबका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे लेट जाती हूँ फॉर 10 to 15 minutes, ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए। फिर इनको खाना वाना देना होता है। अभी जैसे जूली है, पिंकू, तो थोड़ा ताकि रिचार्ज हो जाऊँ, बहुत टायर्ड हो जाती हूँ मतलब मिड ऑफ द डे में जब दोपहर का समय होता है थोड़ा। तो फिर अभी इनको, अभी तो इनका चल रहा है ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर इन्हें खाना देंगे, क्योंकि ड्रिप हो जाती है तो उसके 1-2 घंटे बाद ही हम देते हैं खाना, फिर सीधा रात को देते हैं। मेरे को लग रहा है पिद्दी भी एकदम झूली पे ही जाएगी एकदम, क्योंकि उसकी भी हाइट छोटी रह गई है। ऐसे एक एक करके पिलाना पड़ता है सबको। गुलाब सिंह का फोन आ रहा है भाई, क्या कह रहा है, आने दो एक बार, इंद्रजीत सबकी पहुंच हिल रही है सबकी। जूली बस कर जा, रुक जा, आओ इसको देखो, छोटी वाली को सबके ऊपर चढ़ रही है। किधर किधर, ये छोटी वाली सबके ऊपर चढ़ रही है। कैरी एक मिनट भाई रुक जाओ, तुमको अगर साथ में दूंगी तो तुम तो हो जाएगा मर्डर। मैंने भी सबको ऐसे ही पिलाया था कल, सबको गोद में ले लेके, मतलब मेरे ख्याल से आधा घंटा, एक घंटा तो लग ही जाता है, आधा घंटा तो आराम से, है ना, सबको आराम आराम से पिलाते पिलाते, क्योंकि फिर ये लड़ते हैं ना। हाँ तभी सबको अकेले अकेले, अब रात को और एक जगह नहीं, जैसे एक लाइन इधर लगाई ना, बहुत ज्यादा गैप देके ना लाइन लगानी है, और एक लाइन इधर लगा दी, ऐसे करके खिला के देखना आज। बस पप्पू तूने पी लिया, तेरा बहुत हो गया। हाँ चल आशीष आ गया, जा ओए ओए रुक जा। हाँ 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 कूद ले कूद ले कूद ले, रुक जा। खा रहे हैं, ये खा पी रहा है ना अच्छे से। कौन? राजू। हाँ सही खा रहा है। जूली पीनट बटर है भाई। मिन्नी ने भी खा लिया।